वेल फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1998 में आई मूवी बंधन मूवी और दूल्हे राजा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, और साथ ही साथ इसकी स्टार कास्ट की चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि आप लोगों में भी से बहुत सारे लोगों ने इन दोनों मूवीज़ को देखा होगा। ये दोनों मूवीज़ आपको कैसी लगी थी, ये आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बंधन मूवी की, जो कि सलमान खान, जैकी श्रॉफ, रामबा, श्वेता मेनन, अश्विनी भावे, शक्ति कपूर, अशोक सराफ, हिमानी शिवपुरी, आसिफ शेख, शशि किरण, मुकेश ऋषि और बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्टर इस मूवी में काम कर रहे थे। जैसे कि हम आपसे बता दें कि इस मूवी के बजट और कलेक्शन की बात, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इस मूवी को 2 अक्टूबर 1998 को रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे के मुरली मोहन राव। वहीं अगर हम बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट था 6 करोड़ रुपए। और इस मूवी को जहां देखा गया, इस मूवी में एक्शन, ड्रामा और रोमांस देखा गया था। वहीं अगर हम बात करें इस मूवी के पहले वीक की बजट की, तो पहले वीक में इस मूवी ने 4 करोड़ 16 लाख की कमाई कर ली थी और दूसरे वीक में 2 करोड़ 12 लाख की कमाई की। वहीं थर्ड वीक में 1 करोड़ 49 लाख की कमाई की। वहीं अगर हम टोटल वर्ल्ड वाइड और लाइफ टाइम इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो लाइफ टाइम के मामले में इस मूवी ने 12 करोड़ रुपए कमा लिए थे। वहीं वर्ल्ड वाइड में इसने 22 करोड़ की कमाई की। और इस मूवी को सलमान खान, जैकी श्रॉफ की मूवी को सुपर हिट कहा जाता है। वहीं चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूल्हे राजा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दूल्हे राजा मूवी में जहां एक और गोविंदा, रवीना टंडन, कादर खान, जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा, असरानी, अंजना मुमताज, मोनीश पैल, गुड्डी मारुती जैसे बढ़िया बढ़िया एक्टर्स काम कर रहे थे, और ये एक्टर्स कॉमेडी में बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी को जहां रिलीज़ किया गया था 10 जुलाई 1998 को, वहीं इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे हरमेश मल्होत्रा। वहीं अगर हम इस मूवी के बजट की बात करें, तो इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए और इस मूवी ने पहले वीकेंड में अपनी कमाई की थी 3 करोड़ 26 लाख रुपए। वहीं अगर हम इसके सेकंड वीक की बात करें, तो इसने 1 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए थे। वहीं अगर हम थर्ड वीक की बात करें, 1 करोड़ 29 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर हम इसके टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो इस मूवी ने 13 करोड़ की कमाई की थी। वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो इसने वर्ल्ड वाइड के मामले में 23 करोड़ की कमाई कर ली। तो दोस्तों, गोविंदा और सलमान खान की ये 1998 की मूवीज़, दोनों मूवीज़ रही थी सुपर हिट, और इन दोनों मूवीज़ को आपने भी देखा होगा। और आपको पसंद आई ये मूवी और ये कलेक्शन, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए रेड वाला बटन और घंटा दबा सकते हैं। तो दोस्तों